पाकिस्तान में आतंकियों ने शनिवार को एक मंत्री और कुछ टूरिस्ट को किडनैप कर लिया। इन आतंकियों ने बदले में पाकिस्तान की जेल में बंद जिहादियों की छोड़ने की मांग रखी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला खैबर पख्तूनवा और गिलगित बाल्टिस्तान का है। बताया जाता है कि इस अपहरण को तहरीके तालिबान पाकिस्तान को अंजाम दिया है। आतंकियों ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा केपी को गिलगित बाल्टिस्तान जीबी से जोड़ने वाली प्रमुख सड़क को घेर लिया था। बताया जाता है कि बाद में आतंकियों ने सभी को छोड़ दिया। वहीं आतंकियों ने मांग पूरी करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के वित्त मंत्री ओबैदुल्ला बेग दो अन्य लोगों के साथ इस्लामाबाद से गिलगित जा रहे थे। इसी दौरान उनका अपहरण किया गया। आतंकियों ने पाकिस्तानी मंत्री अब्दुल्ला बेग और कुछ टूरिस्ट को किडनैप कर लिया। किडनैपर्स ने जिन टेररिस्ट की रिहाई की मांग की है, उन्होंने नंगा पर्वत क्षेत्र में विदेशियों की भीषण हत्या की थी। इसके अलावा ये आतंकी डायमेर में अन्य टेररिस्ट इंसिडेंट्स में शामिल थे। आतंकियों के चंगुल से छूटने के बाद मंत्री बेग ने एक वीडियो जारी किया है। बताया जाता है कि गिलगित बाल्टिस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकी हबीबुर रहमान ने इस अपहरण को अंजाम दिया था। डॉन अखबार के मुताबिक हबीबुर रहमान नंगा पर्वत में 10 विदेशियों की हत्या का आरोपी है। आतंकियों ने प्रांत में इस्लामिक नियमों को लागू करने और महिलाओं को खेल से दूर रखने की मांग भी रखी थी। जानकारी के मुताबिक इस घटना की जानकारी उस वक्त सामने आवे जब गलियारे के दोनों ओर से पाकिस्तान के सीनेटरों ने प्रतिबंधित तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान द्वारा आतंकी एक्टिविटीज में इजाफे पर अलार्म बजाया, जबकि एक सीनेटर ने हाल ही में जारी खतरे की चेतावनी के बारे में जानकारी मांगी। आंतरिक मंत्रालय ने प्रतिबंधित संगठन द्वारा आतंकवादी हमलों के बढ़ते जोखिम के बारे में बताया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा को गिलगित बाल्टिस्तान से जोड़ने वाले रास्ते को आतंकवादियों ने ब्लॉक कर दिया है, जहां सीनियर मंत्री और कई पर्यटक फंसे हुए हैं। दहशतगर्द जेल में बंद अपने साथियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को सोशल मीडिया पर साझा की गई वॉयस क्लिप में मंत्री अबैदुल्ला बेग को यह कहते सुना जा सकता है कि वह इस्लामाबाद से गिलगित जा रहे थे, तभी आतंकियों ने नाकेबंदी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मोस्ट वांटेड आतंकवादी कमांडर हबीबुर रहमान और उसके साथियों ने शुक्रवार को शाम करीब 4 बजे डायमेर के चिलास के ठाक गांव में सड़क जाम कर दिया, जिससे दोनों तरफ के यात्री फंस गए। रहमान पर नंगा पर्वत में 10 विदेशियों की हत्या का आरोप है। ये दहशतगर्द इन विदेशियों की हत्या और डायमेर में अन्य आतंकवादी घटनाओं में शामिल लोगों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। उग्रवादियों के साथ बातचीत का सिलसिला जारी। सूत्रों ने कहा कि जिले के राजनीतिक नेता और अधिकारी उग्रवादियों के साथ बातचीत में लगे हुए हैं। पुलिस की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। मंत्री का एक ऑडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। इसमें एक व्यक्ति को यह कहते हुए सुना गया कि कमांडरों के साथ बातचीत चल रही है, जिनकी दो बुनियादी मांगे हैं। ये घटना ऐसे समय सामने आई है जब अमेरिका ने अपने नागरिकों को आतंकवाद और सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर पाकिस्तान की यात्रा की न करने की सवाल दी है। यूएस के विदेश मंत्रालय ने यात्रा परामर्श में अपने नागरिकों से आतंकवाद और अपहरण की घटनाओं के कारण बलूचिस्तान व पूर्व संघ शासित कबायली क्षेत्र एफएटीए समेत खैबर पख्तूनख्वा केपी के प्रांत की यात्रा नहीं करने की अपील की। अमेरिका ने सतत 3 का परामर्श जारी करते हुए कहा है, आतंकवाद और सांप्रदायिक हिंसा के कारण पाकिस्तान की यात्रा पर पुनर्विचार करें, कुछ इलाकों में खतरा बढ़ गया है। किडनैपिंग की खबरों के बीच उधर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को लाखों लोगों को लेकर घेरने की कोशिश कर रहे इमरान खान को सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने सीधी चेतावनी दी है। जनरल बाजवा ने कहा कि अगर पाकिस्तान को किसी समूह या ताकत ने अस्थिर करने की कोशिश की तो पाकिस्तानी सेना उसे कुचल देगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की किसी भी हरकत को सेना होने नहीं देगी जिससे पाकिस्तान अस्थिर होता है। बाजवा ने भारत या अफगानिस्तान का नाम लिए बिना पाकिस्तान के पड़ोसी देशों को भी चेतावनी दी कि हमारी शांति की इच्छा को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। जनरल बाजवा ने शनिवार को एक पाकिस्तान मिलिट्री अकादमी के नए कैडेट से कहा कि आप देश के संविधान और लोकतांत्रिक संस्थानों का सम्मान करें।
इससे पहले बाजवा ने ऐलान किया था कि सेना अब पाकिस्तान की राजनीति से दूर रहेगी। विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने देश में मार्शल लॉ लगने की आशंका का अपने इस बयान से खारिज कर दिया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर इमरान अपने इरादे पर कायम रहे तो पाकिस्तान एक बार फिर से मार्शल लॉ की ओर बढ़ सकता है। राजनीतिक संस्थानों का हमेशा सम्मान करे पाकिस्तानी सेना। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने यह स्पष्ट कर दिया कि जनता की मदद से आर्मी कभी देश में किसी समूह या ताकत को राजनीतिक या आर्थिक रूप से अस्थिर करने की अनुमति नहीं देगी। कश्मीर में आतंकियों को भेजने वाले जनरल बाजवा ने दावा किया कि पाकिस्तान एक शांति प्रिय देश है और क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है। उन्होंने नए सैनिकों को नसीहत दी कि वे फेक न्यूज, राजनीतिक डिबेट और दुष्प्रचार पर भरोसा नहीं करें। उन्होंने यह भी कहा कि सेना को हमेशा राजनीतिक संस्थानों का सम्मान करना होगा। बाजवा का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब इमरान खान इस्लामाबाद में लाखों लोगों को लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं ताकि शहबाज शरीफ की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया जा सके। इमरान खान से निपटने के लिए पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने राजधानी इस्लामाबाद को आने वाले प्रत्येक रास्ते पर कंटेनर खड़े करने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक संकट और भीषण बाढ़ के बाद हुई बर्बादी से जूझ रहा है। यही वजह है कि आर्मी चीफ बाजवा ने इमरान खान को सीधी चेतावनी दी है। वहीं इमरान खान अपने लॉन्ग मार्च के प्लान पर अभी भी कायम बताए जा रहे हैं। हालांकि बाजवा के बयान के बाद अब ये देखना होगा कि इमरान खान अगला कदम क्या उठाते हैं। जो बोया वही काट रहा पाकिस्तान। वित्त मंत्री को आतंकियों ने किया किडनैप। विदेशी टूरिस्ट्स को भी बनाया बंदी। बताया जाता है कि इस अपहरण को तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान को अंजाम दिया है। आतंकियों ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा केपी को गिलगित बाल्टिस्तान जीबी से जोड़ने वाली प्रमुख सड़क को घेर लिया था। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के वित्त मंत्री उबैदुल्लाह बेग दो अन्य लोगों के साथ इस्लामाबाद से गिलगित जा रहे थे। इसी दौरान उनका अपहरण किया गया। आतंकियों ने पाकिस्तानी मंत्री अब्दुल्लाह बेग और कुछ टूरिस्ट को किडनैप कर लिया। किडनैपर्स ने जिन टेररिस्ट की रिहाई की मांग की है उन्होंने नंगा पर्वत क्षेत्र में विदेशियों की भीषण हत्या की थी। इसके अलावा ये आतंकी डायमेर में अन्य टेररिस्ट इंसिडेंट्स में शामिल थे। आतंकियों के चंगुल से छूटने के बाद मंत्री बेग ने एक वीडियो जारी किया है।